इंडिया ने न्यूजीलैंड के भूत को कह सकते हैं छू मंतर कर दिया, दिखा दिया कि सामने कोई भी हो, जब हम फॉर्म में होंगे, जब हमारे खिलाड़ी बेहतरीन खेल दिखा रहे होंगे तो कोई भूत नहीं होगा, ना ही कोई सेमीफाइनल में हम चौक होंगे। इस बार टीम इंडिया ने 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री कर ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया और एक दो रनों से नहीं, 10-20 रनों से नहीं, पूरे के पूरे 70 रनों से हराया है। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट झटके हैं, टीम इंडिया 70 रन से मुकाबला जीती है। अगर बात करें मैच के हीरो की तो पहला नाम आप ले लीजिए मोहम्मद शमी का। शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, एक कैच जरूर छूट गया था लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या खाता खोला है। पहले 2 विकेट झटके थे शुरुआत में, बाद में 5 विकेट और झटके और कह सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम को पूरी तरह से बैकफुट में डाल दिया। एक वक्त लगा था डेरियल मिचेल और कहीं केन विलियमसन मैच को निकाल ही ना ले जाए, लेकिन फिर क्या, मोहम्मद शमी आए और केन विलियमसन को उनके कह सकते हैं 69 के स्कोर पर चलता किया। सूर्य ने क्या कमाल का कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की, कोई भी मौका नहीं छूटा जहां पर न्यूजीलैंड भारी पड़े। सिर्फ और सिर्फ एक कैच छूटा था आज, और वो कैच की भरपाई मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर की है। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 7 विकेट। ये दिखाता है खिलाड़ी सच में बहुत खास है। शुरुआत के 4 मैचों में मौका नहीं मिला था और उसके बाद आज सबसे ज्यादा विकेट टेकर हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त मोहम्मद शमी के वर्ल्ड कप 2023 में 22 विकेट हो चुके हैं। एडम चप्पा को कह सकते बराबरी की है, बेस्ट इकोनॉमी के चलते उन्हें टॉप पर रखा गया है। दिखाता है खिलाड़ी सच में बहुत खास है, बहुत लीजेंड है। अगर बात करें बाकी खिलाड़ियों की तो उनमें से नाम आता है विराट कोहली का। विराट कोहली ने आज सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है, 50 शतक कर लिए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। जी हां, ओडीआई में विराट कोहली के 50 शतक हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरे तीसरे हीरो की बात करें तो उसमें नाम आता है श्रेयस अय्यर का। अय्यर ने भी कमाल की पारी खेली, काफी तेज पारी खेली, अपने 66 गेंदों में शतक पूरा किया था और बताया था कि हम 400 रन तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी में कैमियो के क्या पारी खेली, के एल राहुल ने बनाए 20 में 39। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो रोहित शर्मा की, कप्तान रोहित शर्मा फिर से सेल्फलेस पारी खेल रहे हैं, कमाल की पारी खेल रहे हैं, बढ़िया पारी खेली, 47 रन बनाए और कह सकते हैं टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। और दूसरी तरफ टीम इंडिया के उभरते हुए सुपरस्टार नाम है शुभमन गिल। गिल ने भी कमाल की पारी, 80 रन बनाए टीम इंडिया के लिए और इंडिया को कहा कि हम भैया सेमीफाइनल में जाएंगे। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, ये नया इतिहास लिखेगी, ये टीम इंडिया कमाल करेगी। जी हाँ, इस तरह से कुछ टीम इंडिया के हौसले हैं, लगातार दमखम दिखा रही है और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है। जीत के हीरो मोहम्मद शमी, विराट कोहली, हर एक प्लेयर इस वक्त जीत का हीरो है। गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, हर तरफ टीम इंडिया अपने मोर्चे पर मजबूत है। अगर बात करें आज के शाम की तो इसमें सबसे पहले किसी का नाम लिया जाएगा तो मोहम्मद शमी होंगे। जब भी क्रिकेट इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे, 2023 का सेमीफाइनल याद किया जाएगा तो वहां पर मोहम्मद शमी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, क्या इस तरह का प्रदर्शन रहा तो टीम इंडिया फाइनल जीतेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।